हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद एसके में स्वागत है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है मैथ में यदि गुणा के अंत में शून्यों की संख्या निकालनी हो, संख्या ज्ञात करनी हो, तो यहाँ पे हम टाइप वाइज देखेंगे। तो टाइप फर्स्ट है यहाँ पे कि यदि लगातार प्राकृतिक संख्या हो तो उसमें शून्यों की संख्या निकालनी हो तो हम क्या करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जब शून्यों की संख्या निकालनी होती है तो इसमें 5 और 2 का हमेशा पेयर चाहिए होता है। अगर 5 और 2 का पेयर हो तभी शून्यों की संख्या निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे 2 भी है और 5 भी है, तो 5 और 2 का पेयर है, यहाँ पे शून्यों की संख्या निकाला जा सकता है। तो इसमें करते क्या हैं कि जो सबसे लास्ट वाली संख्या होती है, जैसे यहाँ पे 35 है, तो इसको क्या करेंगे कि हम 35 को 5 से तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि इसका जो शेषफल है वो 5 से छोटा ना आ जाए। तो यहाँ पे 5 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितने बार में जाएगा, 7 बार में। और फिर 7 5 से बड़ा है कि छोटा है, यहाँ पे 7 5 से बड़ा है, तो फिर 7 को भी फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आ जाएगा 1 बार में। यहाँ पे जो एक बार हुआ है 7 बार में और फिर यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे दोनों मिलकर 7 + 1 जो टोटल है 8 हो जाएगा। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें 8 हो जाएगी। अब हम लोग इसी में का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि यही है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, लगातार जो 225 जो लास्ट में 225 है इसको 5 से डिवाइड करेंगे और तब तक करेंगे जबकि इसका शेषफल 5 से छोटा ना आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 225 को 5 से डिवाइड कर दें तो फर्स्ट बार में कितना जाएगा, 5 चौके 20 50 25 45 आ गया। फिर 45 को फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कितना हुआ, 9 हुआ। फिर ये भी 9 भी बड़ा है 5 से, फिर यहाँ पे 9 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो टोटल कितना हुआ, यहाँ पे 45 हुआ प्लस 9 हुआ प्लस 1 हुआ, तो टोटल को ऐड कर देंगे 45 प्लस 9 प्लस 1, टोटल को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 55। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 55। और उसी तरह एक लास्ट थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। यहाँ पे 83 है तो 83 को करेंगे 5 से, तो 5 के बाद कितना बार में जाएगा, 16 बार में जाएगा। अब 16 को क्या करेंगे, फिर से 5 के बाद में 16 बार में जाएगा। और ये ऐसे ही करते हैं कि जैसे यहाँ पे 16 बार में गया तो अब 16 बचा, 16 को फिर 5 से करेंगे तो कितने बार में जाएगा, यहाँ पे 5 × 3 = 15, 3 बार में। तो अब क्या हो गया, 5 से छोटा हो गया 3, अब यहाँ पे 16 + 3 को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 19। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 19 हो गया। अब उसी तरह अब टाइप 2 देखते हैं कि अगर यदि लगातार सम संख्या हो तो उसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो अगर लगातार सम संख्या हो और उसमें शून्यों की संख्या निकालनी हो तो लास्ट वाले संख्या को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं, यहाँ पे पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 4 3 हो गया। अब 43, अब सिर्फ 43 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 43 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 43 को 5 से डिवाइड करने पे आ जा रहा है 5 × 8 = 40। और फिर 8 है तो फिर 8 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो टोटल कितना हो गया, 8 + 1, टोटल यहाँ पे 9 हो गया। तो यहाँ पे टोटल शून्यों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। अब इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे इसको अब यहाँ पे 2 2 4 4, यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो अब इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 लास्ट में 1500 है, लगातार सम संख्या है तो इसको भी 2 भागों में करेंगे। तो यहाँ पे 250 हो गया, यहाँ पे 250 हो गया। तो फिर इसमें क्या करेंगे, फिर इसमें करेंगे आपको 250, तो फिर अभी 250 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 250 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 बार में। और फिर 50 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार में। और फिर 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में। यहाँ पे टोटल कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 50, यहाँ पे 50 है तो 50 + 10 + 2, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 62। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 62 हो गई। अब यहाँ पे टाइप 3 देख लेते हैं कि अगर लगातार विषम संख्या हो तो उसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो यदि लगातार विषम संख्या होती है तो हम लोग यहाँ ये देखे हैं कि अगर संख्या में 5 और 2 का पेयर हो तभी हम शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 है और 2 नहीं है। तो यदि लगातार विषम संख्या हो, हमेशा कभी भी हो, तो यहाँ पे जो शून्यों की संख्या आती है, शून्यों की संख्या होती है, शून्यों की संख्या यहाँ पे
यहाँ पे जीरो होती हैं, तो यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम लोग ये याद कर लें कि लगातार अगर विषम संख्या हो तो शून्यों की संख्या हमेशा जीरो होती है। अब क्वेश्चन आ गया कि लगातार विषम संख्या है तो इसमें तो हम लोग अब डायरेक्ट मार देंगे कि इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब टाइप फोर देख लेते हैं कि अगर लगातार वर्गों में हो, लगातार प्राकृतिक संख्या वर्गों में हो तो उसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला है 200 से, हम वही काम करेंगे जो लगातार प्राकृतिक संख्या में किए हैं। तो यहाँ पे 200 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40। और फिर अब 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा। और फिर अब 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, तो यहाँ पे कितना हो गया, 40 प्लस 8 प्लस 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 49 हो गया। अब ये 49 आया, अब यहाँ पे वर्गों का निकालना है तो क्या करेंगे, 49 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 98 हो जाएगा। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 98 हो जाएगी। और उसी तरह यहाँ पे ए वाली संख्या है, अब इसमें भी क्या करेंगे, 87 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बार में। और फिर यहाँ पे 17 हो गया। फिर अब इसको फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 3 अब छोटा हो गया तो यहाँ पे कितना हो गया, 17 प्लस 3, तो यहाँ पे 20 हो गया। अब 20 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। अब टाइप फाइव देख लेते हैं कि अब क्यू है, तो क्यू में भी सेम वही प्रोसेस करेंगे जो लगातार प्राकृतिक संख्या में कर रहे थे। इसमें मैं 200 का सेम उसी तरह निकालेंगे, 40 हो गया। फिर यहाँ पे 40 को 5 से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे कि फिर यहाँ पे फिर 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब वहाँ पे वर्गों में 2 से मल्टीप्लाई करते थे, वही सेम काम 49 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 7 12 147, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 147 आ जाएगा शून्यों की संख्या। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 150 है, 150 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 30 हो गया। अब 30 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 6, अभी 6 भी 5 से बड़ा है तो फिर 6 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 30 हो गया प्लस 6 हो गया प्लस 1 हो गया, तो यहाँ पे टोटल 37 आ गया। अब 37 को क्या करेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 1 हो गया। और फिर यहाँ पे 11 मतलब 111 हो गया, तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 111 हो गई। और एक और टाइप देख लेते हैं कि अगर फैक्टोरियल संख्या फैक्टोरियल में हो तो उसमें शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे। फैक्टोरियल आपको पता है कि हमेशा 1 × 2 × 3 × 4 × …… 300 तक लिखा जाता है, तो ये तो सेम प्राकृतिक संख्या ही आ गया। तो जैसे प्राकृतिक संख्या का निकालते थे वैसे इसका निकाल देंगे। अब क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 60 हो जाएगा। और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 12, फिर 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 बार में, यहाँ पे टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 60 प्लस 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7 × 10 = 74, तो यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 74। तो अब इन हम लोग टोटल 6 टाइप देखें। तो अब आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में।